हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम अनुज गुप्ता है। मैं टैग इन्वेस्टमेंट से हूँ। हम लोग एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैं, डीलिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड टैक्सेशन सर्विसेज। हम लोग बेसिकली आज के टॉपिक में ये बात करना चाह रहे हैं कि पोर्टफोलियो एक्चुअली होता क्या है। जब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो बनाना है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना है, तो हम कैसे बनाएं, हम हमारे को क्या एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमारे को कोई थंब रूल्स फॉलो करने चाहिए। जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हमारे को क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे आज बात करना चाहते हैं आपसे। तो पोर्टफोलियो बेसिकली जब हम कहते हैं तो कैसे बनता है या कैसे बनाना चाहिए। तो जनरली जो आपके पास, मान लीजिए आप 100 रुपये निवेश करना चाहते हैं, 1000 रुपये करना चाहते हैं, 10000 करना चाहते हैं, 1 लाख रुपये करना चाहते हैं, 10 लाख करना चाहते हैं, 1 करोड़ करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट हो उसका सेग्रीगेशन आपको पोर्टफोलियो, मतलब एक ये सैम्पल पोर्टफोलियो हम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एंड रिकमेंडेशन आपको अपने सलाहकार से, एडवाइज़र से, कंसल्टेंट से लेनी चाहिए। ये एक हम एक सैम्पल पोर्टफोलियो आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाह रहे हैं कि आपको यदि पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके कुछ कुछ गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करने चाहिए या कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कुछ ऐसे फॉलो करने चाहिए। उसके ऊपर आपको रिस्क प्रोफाइलिंग आपको करवानी चाहिए, आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखना चाहिए और आपको सोच के समझ के निवेश करना चाहिए। बट यदि हम एक समझना चाहें कि जब हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो यदि जैसे हम 1 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और हमारे को उसको उसका एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो हम कैसे बनाएं। हम उसमें 50 से 60% हम लार्ज कैप में डाल सकते हैं। लार्ज कैप की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज़्यादा होता है। मिड कैप फंड्स या मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं जिनका मार्केट कैप 1000 से 5000 करोड़ के बीच में आता है, तो उसमें आप 20 से 30% का एक्सपोजर ले सकते हैं। स्मॉल कैप में भी 20 से 30% का एक्सपोजर ले सकते हैं। स्मॉल कैप का डेफिनेशन होती है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होता है। अब और क्या गाइडलाइंस होती हैं कि आपको एक सेक्टर में, मतलब 1 लाख रुपये आपने चलिए इस तरह आपने निवेश कर दिया या सेग्रीगेशन कर दिया इस रेशियो में, बट आपको स्टॉक्स कौन से लेने चाहिए या कौन से सेक्टर के लेने चाहिए, तो एक सेक्टर में आपका 25% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, तो आपको एक सेक्टर में 25% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। एक स्टॉक में, चाहे आप वो स्टॉक बहुत अच्छा लगता हो, उसके बारे में न्यूज़ और नॉइज़ या उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, आपके पास उसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी है कि वो बिज़नेस बहुत अच्छा है, बट आपको 15% से ज़्यादा उस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। विच मीन्स एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपको 15% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता है, तो आपको एक स्टॉक में 3% से कम की होल्डिंग भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये आपका मोटा मोटा एक तरीके से पोर्टफोलियो बन जाता है, जहाँ पे आपका 1 लाख रुपए 3 जगह डिवाइड होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में 50 से 60%, मिड कैप में 20 से 30%, स्मॉल कैप में 20 से 30%। दूसरा आपको सेक्टर एलोकेशन 25% से ज़्यादा आपको एक सेक्टर में नहीं लगाना है। स्टॉक एलोकेशन 15% से ज़्यादा आपको एक स्टॉक में नहीं लेना है, और 3% से कम का एलोकेशन भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं रखना है। तो ये मोटा मोटा एक तरीके से पोर्टफोलियो कैसे बनता है या पोर्टफोलियो की डेफिनेशन क्या होती है, जो हमने बताने की कोशिश करी है आपको। एंड कहाँ पे निवेश करना है, कौन से स्टॉक में, कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, वो आपको अपने सलाहकार से अपनी रिसर्च आपको करनी चाहिए और फिर सोच के समझ के आपको निवेश करना चाहिए। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही। आपको कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए उसके लिए हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप वो आप वीडियो देख सकते हैं कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं या स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए, वो भी हमने कुछ कुछ नॉलेज दे रखी है। बट एट द सेम टाइम हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की समझ रखें, खुद के सलाहकार जो आपके होते हैं, कंसल्टेंट एडवाइज़र्स, उनसे सलाह लें और फिर निवेश करें, सोच के समझ के निवेश करें। यदि आपको हमारे साथ 15 मिनट का कोई भी स्ट्रेटजी कॉल रखना है, तो हम लोग कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देते हैं, जहाँ पे आप हमारे साथ 15 मिनट का अपने सुविधा अनुसार हमारे साथ आप एक स्केड्यूल कॉल रख सकते हैं, जहाँ पे हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट या इंटरेस्ट कहाँ है, और फिर हम आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एग्जीक्यूट कराने में मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने एक्वेंटेंसेंस में ये वीडियो शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बांटेंगे
तो इंडिया सीखेगा, आपके फ्रेंड सीखेंगे, आपके फैमिली सीखेंगे, आप सीखोगे और आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग, पेशेंट वॉचिंग. आई हैव अ गुड ईयर अहेड एंड हैप्पी सक्सेसफुल फाइनेंशियल जर्नी. थैंक यू सो मच.